बच के 8 मिनट और लेट हो गए, काफी ज्यादा इतना ज्यादा जाम है चल रही है भाई, बॉस्टेड भी हो गया देखो। हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांग हाईफाई ब्लॉग्स। तो गाइस मैं निकल गया हूँ जम्मू टू चंडीगढ़, मैंने ब्लॉग बनाया था गाइस चंडीगढ़ टू जम्मू का और वो हो गया मेरे से डिलीट यार। गाइस इतना मेरे को सदमा लगा ना, इतना सदमा लगा मैं ना एक दिन तो कोमा में रह गई, मेरे को फैज जी क्या हो गया मेरे से। सो गाइस बराबर निकल चुका हूँ, सामान हमने सारा डाल लिया, एलईडी वगैरह गेम वगैरह सब डाल लिए है, अपना जो भी सामान था छोटा मोटा सब ले लिया है। तो अब निकल रहा हूँ मैं जम्मू टू चंडीगढ़ और इस सफर का मजा ले मेरे साथ। और मैं निकला थोड़ा लेट, टाइम हो चुका है 5:30 और मैं काफी लेट हो चुका हूँ। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, टोल प्लाजा डालना, तेल डलवाना है गाड़ी में, बड़ा कुछ है, तेल डलाते हैं फटाफट गाड़ी से, टोल प्लाजा का रिचार्ज करते हैं और फटाफट निकलते हैं फुल स्पीड में। सो गाइस जम्मू को बाय बाय बोलते हैं और मेरे को लग रहा है धुंध छा गई है काफी ज्यादा और रास्ते में मैं दुआ करता हूँ कम धुंध होनी चाहिए, मेरी एक फॉग लाइट भी खराब है और यही होता है ना टाइम नहीं हो रहा अलाइनमेंट भी। मैं सोचा था पहले पापा की गाड़ी ले जाता हूँ, बलिनो बेस्ट थी क्योंकि रेड कलर जो होता है ना वो ना धुंध में ठीक लगता है, वो व्हाइट कलर से बेटर रहता है। फिर मम्मा कहते हैं पापा को गाड़ी चाहिए होगी, पापा तेरे बोलेंगे कुछ ना कुछ, मैं छोड़ो कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, सेंट्रो जिंदाबाद अपनी। तो गाइस फटाफट निकलता हूँ, फटाफट तेल डलाता हूँ इसमें और फुल स्पीड निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मैं हो चुका हूँ काफ़ी लेट। और क्रूज वाला ड्रामा कर दिया मैंने, खरी भली उनको स्टार्ट गाड़ी दी और उन बंदों ने क्या किया, गाड़ी उनसे स्टार्ट ही नहीं हुई, मतलब क्या ये हो गया वो हो गया ये है। मैम मेरी गलती तो नहीं है इसमें, कोई तुम्हारी गलती है, तो वो गाड़ी क्रूज हुआ ध्रुव ले आएगा, तो मैं अपनी सब मैं क्योंकि बस हो गई है सफ़र करके साथ साथ, तो 800 किलोमीटर गाड़ी चला चला के बस हो जाती है इंसान की और मैं अब नहीं चला सकता और गाड़ी, मैं जाके बस अब काम देखूंगा अपना और पूरा कोर्स ख़त्म करके सीधा घर वापस और देखूंगा कि अगर मेरे को सूटेबल किया कुछ खर्चा वर्चा देख रहा हूँ क्योंकि मैं महीने का वही टारगेट लगा रहा हूँ, महीने का कितना खर्चा यहाँ पर होता है और उस हिसाब से मैं उस हिसाब से ही चलूँगा क्योंकि कुछ वहाँ पे बच्चे जितने भी थे जिनसे मैं मिला जम्मू के, वो तो कहते हैं कि बहुत खर्चा होता है यहाँ पे और ये तो रियलिटी बात है, होता है खर्चा भाई, जो होना है वो होता है, तो इसलिए मैं फटाफट निकल रहा हूँ। सो गाइस आप जाम देख सकते हो, इतना जाम है ना सतवारी से थोड़ा सा आगे कुंजवानी वाली साइड, इतना जाम है, इतना जाम है, इतना जाम है, हद कर दी लोगों ने, मतलब कि क्या बोलूँ आपको कि मतलब कि ये जाम मतलब कि क्रॉसिंग भी है और रात का टाइम भी है तो लोग घर जा रहे होते हैं, तो मैंने कहा चल निकल जाएंगे टाइम से यहाँ से, तो यहाँ पे गलत जगह से फंस गया, मेरे को बाईपास भी मॉल से जाता था जल्दी निकल जाता, चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा ही जाम है निकल जाते हैं 5-10 मिनट में निकल जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये ओए ऑफ रोडिंग चल रही है अभी फिलहाल मेरी गाड़ी में, तो अलाइनमेंट कराने का टाइम नहीं मिला तो फिर वो चंडीगढ़ से ही करा लेंगे, इसकी अलाइनमेंट की जरूरी है, जिस दिन हमें वापस आना होगा तो तब अलाइनमेंट करा लेंगे इसकी। तो अभी जस्ट समझ लो कि बल्ले 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 पहुँच रहे हैं और सिस्टम सारे हिल गए शरीर के भी, क्या करें भाई, और जाम देख रहे हो कितना गाड़ियाँ देखो कैसे बल्ले बल्ले चल रही हैं। सो गाइस जाम में फंस के बस हो गई है, बोर इधर ही हो गया हूँ आधे थोड़े से रास्ते में ही, कम से कम अभी मैं आया हूँ सिर्फ 3 किलोमीटर और मैं बोर हो चुका हूँ कसम से, इतना जाम है, इतना जाम है, इतना जाम है गाइस क्या बताऊँ, इतना जाम है अभी, इतना ज़्यादा जाम है। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, फटाफट पहुँचते हैं लोकेशन पे और मिलेंगे आपको रास्ते में, अभी लखनपुर भी रुकेंगे थोड़ी देर, कुछ खा लेंगे वहाँ पे पल्ले वल्ले क्योंकि पल्लों से अपना बड़ा प्यार है, अपने जम्मू वालों को कलाड़ी तो पल्ले भाई अपना दीवाने हैं, मतलब हम लोग ना इस चीज़ के दीवाने हैं, मैं तो दीवाना हूँ और किसी का तो मुझे पता नहीं, बाकी जो दीवाने हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई किसको कलाड़ी पसंद है, जो बाहर से आए हैं जो इनको पता है कि ये अपना नेचुरल चीज़ है हमारे जम्मू का स्पेशल नेचुरल चीज़ जिसको कलाड़ी बोलते हैं हम, और जिसको जो पसंद है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अभी फटाफट निकलते हैं लोकेशन में और जाम मैं आपको बताता हूँ, इतना ज़्यादा जाम है, इतना जाम है आईएस। सो गाइस फाइनली जाम से निकल के हम थोड़ा सा आगे पहुँच चुका हूँ और पहुँचते हैं फटाफट लखनपुर, टोल प्लाजा आने वाला है तो सीधा आपको लखनपुर जाके मिलते हैं और आपको पता ही है इतना जाम रात के टाइम जाम होता है, मेरे को रात का सफ़र अच्छा होता है, अच्छा तो होता है बट यहाँ पे रोड जब बन जाएगा ना तो ये बड़ा मक्खन रोड बन जाएगा और इतना अच्छा रोड बनेगा ना ये, मैं कह रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा फिर गाड़ी चलाने का क्योंकि अभी तो जस्ट यहाँ पे जाम ही जाम है क्योंकि यहाँ पे रोड सारा टूटा हुआ है और हर एक को भी रात को जल्दी होती है घर पहुँचने की, आपको पता तो है समय सारे थके होते हैं, कोई ऑफिस से कोई शॉप से कोई कहीं से, तो सब थके होते हैं और सब घर जाने की जल्दी में होते हैं तो इसकी वजह से जाम लग जाता है जल्दबाजी के चक्कर में। तो हम आराम आराम से निकलते हैं मैं से अपनी गाड़ी को बचा के, अपने आप को सेफली बचा के और लोगों को भी बचा के क्योंकि हम इस पर गाड़ी वाले पर भरोसा नहीं कर सकते कब ब्रेक मार दे क्या कर दे, तो इसलिए अपने कंट्रोल पर चलाओ
हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखो। तो फटाफट पहुँचते हैं लखनपुर वाली लोकेशन पे और मिलते हैं आपसे वहाँ पे, बात करते हैं पल्ले खाते हुए। पल्ले तो खाने जरूरी होते हैं, दो मिनट हंसते। सो गाइस, जाम तो इतना नहीं है अब, बट ये है कि सिंगल लाइन चल रही है और जैसे चलती रहे तो अच्छी बात है। और आपको पता है बार बार ब्रेक मारने से भी गाड़ी की एवरेज को फ़र्क पड़ता है, और आप एक ही गाड़ी गियर में गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी की एवरेज भी अच्छी रहती है। और इतना गंदा रोड हो चुका है ना, इनको ना फटाफट इसको काम लगाना चाहिए, डे एंड नाइट काम चलना चाहिए। चल तो रहा है बट तब भी हम एक ट्रक के पीछे फंस चुके हैं। और सो गाइस, लखनपुर के पल्ले, और आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ की व्यू देखो, अब यहाँ का रश देखो, अब यहाँ पे और ये अभी दनों लगी हुई है। और आपको पता ही है, फाइनली पहुंच गया हूँ लखनपुर पल्ले जामे नाकू बड़ा था। क्या मीटअप करना कि इतना लेट हो गया हूँ कि अभी टाइम हो रहा है 8:08 और लेट हो गया हूँ अभी ज़्यादा। फटाफट यहाँ से पल्ले खाते हैं और निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे जाके लोकेशन पे। और तो रात का ही ब्लॉग बनेगा, बस हो जाएगी, घर तो फ्लैट जाते ही सो जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा अब। तो फटाफट पल्ले खाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। गाइस, मैं हूँ इस समय जलंधर रोड पे और टाइम हो रहा है, रात के बज गए हैं भाई। एक मेरी घड़ी को ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ब्रो, बीच में टाइम मतलब 11:30 के आसपास हो रहे हैं और एक घंटे का रास्ता है अभी, और थोड़ा सा मैं दूर हूँ और पहुँच ही जाऊँगा मंजिल पे। और तेल मेरे हिसाब से कम लग रहा है मुझे, अगर रास्ते में कोई पेट्रोल पंप मिला डला लूँगा, मतलब दुआ करो कि पहुँच जाऊँ इस तेल में। तो ज़्यादा नहीं डलाया था मैंने, 2324 खाली रोड है, घंटा डेढ़ घंटा लगाओ। तो अगर रश हो तो फिर 2 घंटे का सफ़र लगा लो, क्योंकि रोड खाली है, रात का टाइम है, ज़्यादातर ट्रक ट्रुक मिलते हैं, तो इसलिए आराम आराम से निकल रहे हैं हम। तो बाकी गाइस इतना बताइए आपको, इन्जॉय करते करते हम यहाँ पहुँच जाएंगे बड़ी जल्दी, सफ़र ख़त्म हो जाएगा हमारा और फिर हम फ्लैट जाके रोटी खा के सो जाएंगे। तो जस्ट मैंने अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया था इसलिए मैंने रोकी हुई थी गाड़ी, तो बने रहो इस ब्लॉग के साथ। तो गाइस, अभी भी 100 किलोमीटर है और मैं हूँ चंडीगढ़ रोड पे, और इस पर अभी भी 100 किलोमीटर है, रोड खाली है, कोई रश नहीं है, कोई वो नहीं है। तो बस पहुँच जाऊँगा अच्छे लोकेशन पे, तेल मेरे को दुआ है कि पहुँच जाऊँगा आराम से, इतना तेल बहुत तेल है इसमें भी। तो जस्ट अभी मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा गाड़ी, क्योंकि खाली रोड पे ज़्यादा चलानी भी नहीं चाहिए, 80 तक चला रहा हूँ, 80-85 यही स्पीड रखी है, नॉर्मल स्पीड ठीक रहती है, आराम से पहुँचना है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। और रात का सफ़र आपको पता है, मेरे को रात का सफ़र बेटर लग रहा है, पता नहीं क्यों, नहीं क्यों रिक्स लेना अपनी अपनी गाड़ी अपनी जान और ऐसे किसी की किसी को। वैसे खाली रोड है और 22 पहली बात तो यहाँ पे पेट्रोल पंप ना बड़ा रेयर ही खुला होता है भाई, अगर आप लोग आ रहे हो तो बैकअप मतलब कि तेल पीछे से फुल करा लो जहाँ पेट्रोल पंप आपको मिलता है अगर आप रात का सफ़र कर रहे हो। तो अगर आपको नहीं रोकना कहीं, आप जाते हो कि नहीं है, तो बैकअप के लिए तेल रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर रख लो ताकि आप कहीं मंजिल तक पहुँच सको। बाकी मेरी गाड़ी में तो काफ़ी फ्यूल है अभी, आराम से पहुँच जाऊँगा मैं। और गाइस मज़ा आ रहा है बिल्कुल, आराम आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, आप देख रहे हो रोड कितने साफ है, मज़ेदार। तो बने रहो, पहुँचते हैं फटाफट जिस लोकेशन पर जहाँ पर हमने जाना है। Guys, finally I'm in Kharad, मैं पहुंच गया हूँ। और रात के बजे कितने बज रहे हैं आपका टाइम था? तो रात के बजे 12:30, थोड़ा आधा घंटे का रास्ता, 15-20 मिनट का रास्ता, आधा घंटा लगा के चलो, तो अभी रह गया है। तो फटाफट पहुंचते हैं लोकेशन पे, अंधेरी रातों में घूम रहा हूँ आप देख सकते हो। तो अभी मतलब कि थोड़ा सा ही दूर रह गया, फटाफट पहुँचते हैं लोकेशन पे और बने रहो इस ब्लॉग के साथ। गाइस, फाइनली खरड़ मैंने एंट्री कर ली हुई है और अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ शहर। ये मोहाली से होते हुए जाना है मैंने चंडीगढ़ शहर। तो गाइस मज़ेदार रोड था, मज़ा आ गया ड्राइव करने का। और रास्ते में आपको पता मुझे तेल भी मिल गया था, तो मैंने 300 रुपये का तेल डाल लिया था, काफ़ी बच गया तेल जो काम आ जाएगा हमारा इधर थोड़ा बहुत आगे पीछे जाने के लिए। तो फटाफट पहुँचते हैं फ्लैट वाली रोड पर, तो मिलते हैं आपको सीधा वहाँ पर, और जैसे ही फ्लैट पहुंचता हूँ पूरी लोकेशन बताता हूँ आपको। टाउन जा रहा हूँ क्योंकि फ्लाईओवर वो ऊपर रहा, ऊपर फ्लाईओवर छोड़ दिया, नीचे से जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से हमने नहीं होना, हमने नीचे होना है। और ये दिल्ली शिल्ली वाले लोग जो दिल्ली को रात को ट्रैवल करते हैं। तो गाइस ये आ गया अपना नीचे, बल्ले 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 पहुँच गए हम, अपना सफ़र ख़त्म कर दिया फाइनली। गाइस पूरी रात ट्रैवल करना ना, मतलब कि मैं इतना मेरे पे हो गया कि मैं रात को दिल्ली के लिए ना गाड़ी में बड़ी बार बोलता हूँ पापा को, दिल्ली चलते हैं गाड़ी में। तो गाइस मज़ा आ जाता है, अगर कोई साथ हो, कप्पे शप्पे बज रही हो, फिर तो अलग मज़ा है। तो फाइनली अभी हम यहाँ से अंदर हो जाएंगे
और आप देख सकते हो कितना साफ सुथरा शहर है ये। और मैंने पेट्रोल पंप से अंदर होना है, इंडिकेटर हमें पहले ही देना पड़ेगा, सच दे देते हैं पहले ही, पीछे वो लोग पता लग जाए इसलिए अंदर होना है। तो बने रहो ब्लॉग के साथ। गाइस फाइनली हम पहुंच गए खरड़, ये सिटी पहुंच गए हैं। ये अंदर की सिटी है क्योंकि अभी बंद होगी, वरना यहाँ पे इतना रश होता है कहने की बात नहीं है। तो अभी तो ये सारा बंद है एरिया, और आप देख सकते हो खुल्ला डुल्ला एरिया है, कोई चक्कर नहीं है, पी पी मारते मारते जाएंगे। और आपको पता है यहाँ पे रात को दुकानें भी खुली होती हैं जो 24 घंटे खुली होती हैं, कुछ जैसे छोटे छोटे जो अपने बनाते हैं आमलेट वगैरह बनाते हैं, जो अंडा वंडा बेचते हैं, जो यहाँ पे तो खुले ही रहते हैं रात को 12-1 बजे तक 2 बजे तक। तो एक दो रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ खुले रहते हैं, मक्खन है एक यहाँ पे, ये देखो जैसे दुकान खुली हुई है, तो यहाँ से आप सामान लेने आ सकते हो रात को जब मर्जी, खुली है दुकान 24 घंटे। जैसे सुबह बंद करते हैं ये दो या तीन बजे के आसपास ये बंद करते हैं ये लोग दुकानें। तो बाकी आप ये देख सकते हो छोटी सी सिटी है ये, बहुत प्यारी सी, एक अपना मेडिकल स्टोर, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मज़ेदार है, घूमने का मज़ा आता है गाइस। और ये देखो आप फाइनली हम पहुँच गए घर के अंदर और जा रहे हैं अपने फ्लैट। तो अभी तो मक्खन मुक्खन यहाँ पे होते हैं, मैंने कहा है मक्खन पता नहीं क्या नाम है, मेरे को नहीं पता कुछ नाम है उस दुकानदार का, चीज़ बड़ी अच्छी दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। मैं वही देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन पे कि यहाँ पे कहीं आसपास है। जैसे ये देखो आप बड़े बड़े स्टोर हैं यहाँ पे, मोबाइल स्टोर, बैटरी, गाड़ी सर्विस वगैरह, हॉल, सब कुछ है, मतलब एक ही एरिया में सब कुछ है यहाँ पे, कुछ चीज़ की कमी नहीं होगी आपको। और ज़्यादातर यहाँ पे रहते हुए स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं। तो बने रहो, मिलते हैं फ्लैट में। मैंने एक चीज़ नोट की है यहाँ पे ना, बीच बीच में दुकानें खुली हैं जो मतलब 24 घंटे खुली रहती है, मतलब 24/7 खुली रहती है। देखो यहाँ पे वेज दुकानें भी खुली हैं, फास्ट फूड खुले हैं, जोमेटो वोमेटो यहाँ पे चलता है, स्विगी चलता है यहाँ पे, और भी बड़ा कुछ चलता है। ये आ गया, ये देखो ये है जी, ये है मिक्की नाम था गाइस, ये इनका अपना सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, आगे जाके इनका ढाबा भी है वाइन शॉप के साथ, इधर से थोड़ा सा आगे जाओगे ये वाइन शॉप आ गई, वाइन शॉप के साथ ही ढाबा है। और ये देखो ये रही वाइन शॉप, ये रह गया ढाबा, भैया से मिलते हैं। आपने देखा ढाबा खुला था, मैंने आपको बता दिया इस ब्लॉग में, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे बड़ा कुछ मिल जाएगा। एक मेडिकल स्टोर होता है जहाँ पे मिक्की का स्टोर था ना, उससे थोड़ा सा आगे एक ये देखो, एक ये भी देखो स्टोर खुला हुआ है, द न्यू शॉप आप देख सकते हो, ये भी खुला है अभी। तो गाइस यहाँ पे भी सब कुछ मिल जाएगा, अभी 1 बजे अलग पेस्ट्री वगैरह केक वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे रात को, मोमो किचन, मॉम किचन, सलून, एक आधा सलून भी खुला हुआ है, ये होटल सेंटर आ गया, मतलब कि यहाँ पे हर एक चीज़ खुली है। मतलब कि आप ये नहीं हो कि रात को आप यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ खाओगे नहीं, वो देखो फूड गुरु, और ये देखो भाई सब कुछ मतलब ए टू जेड खुला हुआ है। फूड गुरु में तो गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, रश आप देख सकते हो, और लाइट की वजह से थोड़ा ना दिखता नहीं है, गट्ठा गट्ठा होता है ना, वर्स लाइट की वजह से दिखता नहीं है। चलो हम पहुँचते हैं अपने फ्लैट में, तो मिलो, बने रहो इस ब्लॉग के साथ। और साथ में ये देखो ओ चिकन, ये देखो ओ चिकन, ये भी खुला हुआ है भाई। मैं कह रहा हूँ कि लगभग वो देखो चावलास, यहाँ पे भी चावलास है, जम्मू में भी था, हमारे इधर भी है चावलास, जम्मू के सफर, मतलब कि पूरा एरिया रिवील करना था, तो रात के टाइम ही रिवील होता है, सुबह रश बड़ा होता है, इसकी वजह से मैं रिवील नहीं कर पाता हूँ। तो पहुँचते भाई, देखो हमारी GTA 5 चल रही है भाई, बॉस्टेड भी हो गया देखो तो मजा आ रहा है खेलने में भाई। और यही था मेरा जम्मू टू चंडीगढ़ का। और गाइस माफी चाहता हूँ, मैंने चंडीगढ़ टू जम्मू का भी बनाया था, वो वैसे डिलीट हो गया था गलती से। तो इस ब्लॉग में एंजॉय करना, आप सारे ज्यादा शेयर करना, चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय भावे दी, इन द नेक्स्ट ब्लॉग।